प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, 1/(x-1)(x²+4). तो आपने देखा है कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार सरल करते हैं या आंशिक भिन्नों में किस प्रकार बदलते हैं। तो इससे पहले हम आंशिक भिन्नों में बदलेंगे और लिखेंगे कि माना 1/(x-1)(x²+4) इक्वल टू a/ ये वाला पद x-1, bx+c लिखना होगा क्योंकि ये x²+4 के फॉर्म पर है। तो ये x²+4 अर्थात ये द्विघातीय पद है और इसको हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते दो अलग अलग पदों के गुणनफल के रूप में, इस वजह से हम यहाँ पर इसका एक घात कम करके bx+c लीनियर फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे, ना करेंगे, ये a इंटू आ जाएगा x²+4+bx+c (x-1). आगे सॉल्व करते हैं, 1 a x² + 4 a, इसी प्रकार bx का मल्टीप्लाई x से तो bx², bx का मल्टीप्लाई -1 से तो ये bx, फिर प्लस cx, फिर माइनस तो ये a है और ये प्लस b है, तो ये a+b, फिर x के गुणांकों को कलेक्ट करते हैं, x-b+c ये पद और ये पद, और फिर अचर पद 4a और ये -c, तो ये है 4a-c अचर पद। तो हम लिखेंगे कि गुणांकों की तुलना करने पर का जो गुणांक है यह है a+b और लेफ्ट हैंड साइड पर x² वाला पद नहीं अर्थात शून्य है, फिर लेफ्ट साइड पर है -b+c, x का गुणांक है और लेफ्ट में x वाला पद नहीं है तो शून्य, फिर 4a-c ये अचर पद है और लेफ्ट साइड में हमारे पास अचर पद है 1। तो यहां से हम b का मान a के पदों में निकाल लेते हैं, b=-a, ये मान आप जब यहाँ पर रखेंगे तो -(-a+c) अर्थात a पदों निकालते हैं, फिर c और फिर इन सब मानों को इसको और इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, सॉरी ये मान तो हम यहाँ पर उपयोग कर चुके हैं, सिर्फ ये मान हम पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4a-c और c का मतलब है -a = 1, सॉल्व करेंगे तो -(-+) हो जाएगा, 5a = 1, यहाँ से आपको मिल जाएगा a = 1/5, a = 1/5 मिला है तो b = -1/5 मिल जाएगा और c का मान भी -a अर्थात -1/5 मिल जाएगा। a, b और c का मान मान लेते हैं कि समीकरण एक, उसमें हम इन मानों को रखेंगे और फिर आगे सरल करेंगे। इसका समाकलन लिख रहे हैं dx/(x-1)(x²+4). तो ये मान जब हम पुट कर देंगे तो a का मान हमें मिला है 1/5, तो ये 1/5, फिर ये x-1 और फिर bx+c, ये x²+4 bx और b का मान हमें मिला है -1/5 प्लस c और c का मान मिला है अगेन -1/5, तो ये हमें मिल जाएगा -1/5। तो इसे आप लिख सकते हैं और इन सब का हमें समाकलन लिखना है, तो ये इंटीग्रेशन साइन dx, जब समाकलन करेंगे तो ये 1/5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx/(x-1) और फिर इन दोनों पदों को हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार कि ये -1/5 x/(x²+4) और फिर माइनस और dx और ये -1/5 dx/(x²) और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर।
अब ये है 1/5 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और फिर इसमें हम दो का गुणा करते हैं और दो का भाग करते हैं, तो ये 10 और ये 2x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, और फिर ये माइनस 1/5 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म पर है। अब सीधा इसका समाकलन लिखते हैं, 1/5 लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, फिर माइनस 1/10, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, और माइनस 1/5 ये है 1/10 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1/A इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है। तो जो हमें दिया गया पद था उसका समाकलन हमें प्राप्त हो चुका है, जो कि है 1/5 लॉग ऑफ एक्स माइनस वन माइनस 1/10 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/10 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलन का समाकलन x के सापेक्ष कीजिए। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है, तो इस प्रश्न को भी हमें आंशिक भिन्नों का उपयोग करके सरल करना है, लेकिन बीच में हमें प्रतिस्थापन का भी उपयोग करना होगा। तो किस प्रकार करेंगे आइए देखते हैं। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन i है, तो dx अपॉन साइन एक्स और फिर 3 + 2 कॉस एक्स। अब यदि अंश में और हर में साइन एक्स का गुणा कर दें तो अंश में मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और कॉस एक्स का प्रतिस्थापन कर सकते हैं साइन के रूप में या टी के रूप में। तो साइन एक्स का मल्टीप्लाई और नीचे अंश में भी और हर में भी, तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स फिर 3 + 2 कॉस एक्स। अब ये साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर एक्स और फिर ये 3 + 2 कॉस एक्स। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे, माना कॉस एक्स इक्वल टू बी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या फिर साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमें आई इक्वल टू मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया और ये डी टी, फिर 1 - t² मिल जाएगा और 3 + 2 t। इसे और थोड़ा सरल करते हैं, माइनस साइन इंटीग्रेशन डी टी 1 - t² आप इसे लिख सकते हैं 1 - t और 1 + t, और फिर यह है 3 + 2 t। अब यहां पर हम आंशिक भिन्न का उपयोग करेंगे, माना 1/(1 - t) इंटू 1 + t और 3 + 2 t। पहले ये वाला पद a/(1 - t), फिर बीच वाला पद 1 + t और फिर c 3 + 2 t। पहले जैसा हल करते हैं वैसे ही सरल करेंगे, मिल जाएगा a(1 + t) इंटू a + 3 + 2 t, फिर b(1 - t) इंटू 3 + 2 t प्लस c(1 - t) और 1 + t। अब इस समीकरण में क्रमशः t = -1 पहले 1 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे t = -1, तो आगे हमें मिल जाएगा 1 = a(2 - 5) और आगे b और c ये दोनों पद शून्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा
a इक्वल टू 1/10। तो इस प्रकार हमें a का मान प्राप्त हो चुका है। अब आगे t इक्वल टू -1 रखेंगे, तो ऐसा पद जिसमें t प्लस 1 हो वह शून्य हो जाएगा, अर्थात a और c वाला पद शून्य हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 इक्वल टू b इंटू 1 -1 तो मिल जाएगा 2, और 3 प्लस 2t, टी की जगह -1 रखेंगे तो मिल जाएगा 3 -2 1। तो इस प्रकार आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा b इक्वल टू 1/2। अब अंतिम मान बचा हुआ है t इक्वल टू -3/2, ये मान हम रखेंगे। तो देखिए 3 प्लस 2t वाले जो पद हैं वो a के साथ है और b के साथ है, ये दोनों पद शून्य हो जाएंगे, हमें केवल c वाला पद प्राप्त होगा। तो 1 -3/2 करेंगे तो मिल जाएगा 5/2 इंटू है 5/2 इंटू -1/2। तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा c इक्वल टू -4/5। तो इस प्रकार a, b और c का मान प्राप्त हो चुका है और यहाँ पर हम समीकरण में मान रख देंगे। तो हमें मिल जाएगा 1/(1 - t)(1+t)(3+2t) इक्वल टू, एक स्थान पर 1/10 तो मिल जाएगा 1/10/(1 - t) और बी के स्थान पर है 1/2 तो +1/2/(1+t) और सी का मान है -4/5 तो आगे मिलेगा -4/5/(3+2t)। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे टी के सापेक्ष तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन dt/(1 - t)(1+t)(3+2t) इक्वल टू 1/10 इंटीग्रेशन dt/(1 - t)(1/2) इंटीग्रेशन साइन dt/(1+t) फिर -4/5 इंटीग्रेशन साइन dt/(3+2t)। तो आगे सरल करने पर हमें मिल जाएगा 1/10 log(1 - t)(1/2 log(1+t) और 4/5 log(3+2t)। तो आगे इस प्रकार सरल करेंगे तो हमें मिल जाएगा -(1/10)(1 - t)(+1/2)(1+t)-2/5)(3+2t) और फिर 1/2 log(1+t) और फिर -2/5 log(3+2t)। आप प्लस सी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और इस प्रकार हमें मिल जाएगा i इक्वल टू -1/10 log t का मान cos x रख देंगे तो मिल जाएगा 1 - cos x फिर -1/2 log(1+cos x) और फिर +2/5 log(3+2cos x)। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो कोसेक और सेक एक्स इन दोनों को साइन और कॉस के रूप में हम बदल लेते हैं पहले, फिर उसका समाकलन करेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूं, माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन सेक एक्स डी एक्स अपॉन 1 + cosec x। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/(cos x)(dx) और ये 1+1/sin x। आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा sin x dx/(cos x) और sin x+। अब अंश में एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं।
और फिर दोनों पदों को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए साइन एक्स प्लस वन अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा डी एक्स अपॉन कॉस एक्स, और फिर माइनस वन डी एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वन। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन सेक एक्स डी एक्स, और इसे सरल करने के लिए हम वन माइनस साइन एक्स का अंश और हर में गुणा कर देते हैं, वन माइनस साइन एक्स ये मिल जाएगा कॉस एक्स, और वन माइनस साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स ये आपको मिल जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन सेक एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन साइन। आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस क्यूब एक्स, और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा ये सेक क्यूब एक्स डी एक्स। इसी तरीके से ये माइनस और माइनस ये साइन हमें प्लस मिलेगा, प्लस साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स और कॉस आपको मिल जाएगा कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो फलन आई था पहला फलन है आई वन, फिर माइनस आई टू दूसरा फलन है, और फिर प्लस तीसरा फलन है आई थ्री। मान लेते हैं कि समीकरण एक है, आई वन इक्वल टू है इंटीग्रेशन साइन सेक एक्स डी एक्स, और आपको ये पता है कि ये होता है ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आई टू इक्वल टू है सेक क्यूब एक्स डी एक्स, इसे आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। खंडसा समाकलन के सूत्र का उपयोग करके हम इसे आगे सरल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये है सेक एक्स टेन एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स को वन माइनस या सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, आगे सॉल्व करने पर मिल जाएगा सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, ये आई टू के बराबर चल रहा है। आई टू इक्वल टू है सेक एक्स टेन एक्स, और ये खुद में आई टू है तो ये आई टू प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये आई टू इधर आ जाएगा तो मिल जाएगा आई टू प्लस आई टू टू आई टू। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं आई टू इक्वल टू वन बाई टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब कैलकुलेट करते हैं आई थ्री, आई थ्री इक्वल टू था साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका जब समाकलन करके आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू।
अब हम i1 माइनस i2 प्लस i3 इसमें इन मानों को रख देते हैं, तो i = i1 - i2 + i3। i1 का मान है log of sec x प्लस टेन एक्स, माइनस आई टू का मान है -1/2 sec x tan x - 1/2 log of sec x + tan x, ये आई टू का मान, और फिर प्लस आई थ्री, तो प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। तो इसको आप और सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा फाइनली, देखिए ये sec x बाई टू प्लस टेन एक्स log of sec x plus tan x है, और ये -1/2 log of sec x plus tan x है। सॉल्व करने पर अल्टीमेटली मिल जाएगा 1/2 log of sec x plus tan x, और इन दोनों से यदि आप 1/2 - 1/2 tan x को कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा sec x minus tan x। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है 1 + sin x upon sin x into 1 + cos x। माना कि दिए गए फलन का समाकलन आई ये 1 + dx upon x और 1 + दोनों को अलग अलग पदों के योग के रूप में लिख लेते हैं, तो ये मिल जाएगा dx अपॉन साइन x और 1 + cos x, और फिर प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन x 1 + cos x। ये वाला जो पद है इसको हमने थोड़ी देर पहले सरल किया था। सरल करने के लिए हम साइन x का मल्टीप्लाई अंश और हर दोनों में करते हैं, तो ये आपको मिलता है साइन x dx अपॉन साइन स्क्वायर x और फिर 1 + cos x, प्लस साइन x और साइन x कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन 1 + cos x। इसको जब सरल करेंगे तो साइन स्क्वायर x की जगह में हम लिख सकते हैं 1 - cos² x, तो ये साइन x dx अपॉन 1 - cos² x और फिर ये 1 + cos x प्लस इंटीग्रेशन साइन dx, और इसमें हम 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 + cos x / 2 साइन x dx अपॉन 1 + cos x 1 - cos x और अगेन ये 1 + cos x, फिर ये 1/2, इस पूरे पद को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x बाई 2 वन अपॉन में है तो ये आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx। यहाँ से 1 + cos² x इंटीग्रेशन साइन साइन x dx 1 + cos x का स्क्वायर है और फिर ये 1 - cos x है, फिर प्लस इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 × tan x/2 / 1/2। तो मान लेते हैं कि ये जो पहला फलन है ये आई वन है और इसे सरल करने पर आपको मिल गया tan(x/2), मान लेते हैं कि समीकरण एक है। तो यहाँ पर हम ये जो आई वन हमने जिसको कंसीडर किया है, इस आई वन को सरल करके हम इस पे सर इस पर हम यह मान रख देंगे तो हमें जो चाहिए है वह मिल जाएगा। तो i1 = इंटीग्रेशन साइन x dx अपॉन 1 + cos x का स्क्वायर इंटू 1 - cos x। इसके लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और हम लिखेंगे माना cos x = t, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा -sin x dx = dt, या फिर sin x dx = -dt। ये मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा i1 = dt, और ये माइनस साइन हमने बाहर ले लिया है, और फिर ये 1 + t का
स्क्वायर और फिर ये 1 माइनस टी। अब ये जो पद है इसका आंशिक भिन्न में परिवर्तन करेंगे और फिर आगे सरल करेंगे, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी है। तो ये माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू टी माइनस 1। अब ये जो पद है इसे हम आंशिक भिन्न के रूप में बदल करके आगे सरल करेंगे, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 है। तो इसे हम लिख रहे हैं ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी या टी प्लस 1, फिर सी अपॉन टी प्लस 1 का स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। अब हमें मिल जाएगा 1 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस बी इंटू टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 और सी इंटू टी माइनस 1। इस समीकरण में टी इक्वल टू 1 रखने पर, टी इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 इक्वल टू ये वाला पद और ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो ये रिजल्ट हमें मिल चुका है। और t इक्वल टू माइनस 1 रखने पर, माइनस 1 रखेंगे तो ये वाला पद शून्य हो जाएगा और ये वाला पद शून्य हो जाएगा, आपको मिलेगा c की वैल्यू। तो 1 इक्वल टू सी इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो यहाँ से आपको मिल रहा है c इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। और अंत में यदि हम t स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करें तब हमें b की वैल्यू मिलेगी। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई, इसको जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर मिलेगा। तो टी स्क्वायर का गुणांक लेफ्ट साइड में 0 है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा b इक्वल टू माइनस a, तो इसका मतलब ये कि b का मान माइनस 1 बाई 4। ए मिल चुका है, b मिल चुका है और c मिल चुका है, a b c तीनों का मान मिल चुका है। हम समीकरण 2 में मान रख देते हैं और आगे फिर हम इसे सरल करेंगे। तो समीकरण 2 से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी टी प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 टी माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4 टी प्लस 1 और फिर माइनस 1 अपॉन 2 टी प्लस 1 का स्क्वायर। समाकलन करेंगे आई 1 तो हमें मिल जाएगा 1 बाई 4 इंटीग्रेशन साइन डी टी अपॉन टी माइनस 1 माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस 1 और माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर मिल जाएगा 1 बाई 4 लॉग ऑफ टी माइनस 1 माइनस 1 बाई 4 लॉग ऑफ टी प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 टी प्लस 1 का पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 1 बाई 4 लॉग ऑफ टी माइनस 1 माइनस 1 बाई 4 लॉग ऑफ टी प्लस 1, माइनस और माइनस प्लस मिल जाएगा 1 बाई 2 और ये मिल जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1। हमने जो प्रतिस्थापन किया था वो मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो मिल जाएगा 1 अपॉन 4 लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई 4 लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 कॉस एक्स प्लस 1 और प्लस सी लिखना चाहें तो हम यह मान रख सकते हैं। तो ये आई 1 का मान है। इसे और सरल करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 कॉस एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आई 1 का मान है। तो अल्टीमेटली हमें आई का मान मिल रहा है 1 बाई 4 लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1।
प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस 1 प्लस हमें वहाँ पर जो उत्तर मिला था टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है 1/e^x, e^x माइनस 1^2, इसका हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो माना i इक्वल टू dx अपॉन e^x माइनस 1^2। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे कि माना e^x माइनस 1 इक्वल टू t, तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा e^x dx इक्वल टू dt, या फिर dx इक्वल टू dt अपॉन e^x। और यहाँ से अब मान रख दें e^x इक्वल टू टी प्लस 1 हो जाएगा, तो ये प्लस 1। तो हमें यह मिल रहा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन डी टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर। अब ये जो फलन है इसका आंशिक भिन्नों में पहले परिवर्तन करेंगे फिर इसका समाकलन करेंगे, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर, फिर प्लस सी अपॉन टी प्लस 1। 1 इक्वल टू ए इंटू आपको मिल जाएगा टी प्लस 1 इंटू टी, प्लस बी इंटू मिल जाएगा टी प्लस 1, और प्लस सी इंटू मिल जाएगा टी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है ए इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस बी इंटू टी प्लस 1 प्लस सी इंटू टी स्क्वायर। अब यदि गुणांकों की तुलना करेंगे तब देखिए टी स्क्वायर का गुणांक है a और c, तो a प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर लेफ्ट साइड पर हमें कोई गुणांक नहीं दिखाई दे रहा है t का। दूसरा है t का गुणांक है यहां पर a और यहां पर b, तो ये a प्लस b इक्वल टू भी 0 है। अब कांस्टेंट देखते हैं, यहां से आप केवल b, तो b इक्वल टू 1। अब जब b इक्वल टू 1 है तो उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा a इक्वल टू माइनस बी या फिर माइनस 1। तो इस प्रकार आपको मिल रहा है a इक्वल टू माइनस 1, और ये मान जब आगे रखेंगे c इक्वल टू माइनस a, तो c इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1। तो इस प्रकार आपको मिल रहा है c इक्वल टू 1। तो a का मान है माइनस 1, b का मान है 1 और c का मान है 1। अब इन सब मानों को यहाँ पर हम रख करके सरल करेंगे तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा i इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी डी टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी प्लस डी टी अपॉन टी प्लस 1। सरल करने पर मिल जाएगा माइनस लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस लॉग ऑफ टी प्लस 1। अब यदि टी का मान हम रखना चाहें तो मिल जाएगा माइनस लॉग ऑफ e^x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन e^x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ e^x माइनस 1 प्लस 1। तो इस तरीके से आपको मिल रहा है माइनस e^x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन e^x माइनस 1 प्लस log of e^x। अब log of e^x इक्वल टू x होता है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे ये मान x, उसके बाद फिर माइनस log e^x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन e^x माइनस 1। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है। आप प्लस c लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। तो ये हमारे दिए गए फलन का समाकलन है।